हाय दोस्तों, अगेन वेलकम इन माय चैनल। जैसे कि आप सब लोग तो जानते हैं कि इस समय क्या है, मैं इस चैनल पर वैसे नई नई ट्रिक बताता रहता हूँ, लेकिन अभी इस टाइम पर क्या है कि मैं इस समय वीवो की जो एडवांस सेटिंग होती है उन पर एक सीरीज़ की वीडियो बना रहा हूँ। मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या वीवो फ़ोन के बारे में जो एडवांस सेटिंग होती है उन पर ज़्यादा नॉलेज नहीं होता और वो परेशान रहते हैं कैसे हम स्मार्ट फीचर्स जो हैं वीवो को उसका यूज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्या इस पर एक सीरीज बनाते हैं, तो इसीलिए मैं इस चैनल पर अभी वीवो एडवांस फीचर्स की जो सीरीज़ है वो 10 पार्ट की बना रहा हूँ। तो उसी में अपन 7 पार्ट तो अपन बना चुके हैं, अभी अपन 8वें पार्ट में कुछ जो एडवांस सेटिंग है उन पर बात करेंगे। तो अभी चलिए बता देता हूँ आपको कि ये जो 8वें पार्ट में अपन बात करेंगे उस पर अपन कॉलिंग जो सेटिंग होती है एडवांस फीचर्स की वो कैसे आप यूज करके अपने फ़ोन को बिल्कुल आसानी से स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और वीवो फ़ोन पर एक ऐसी सेटिंग होती है कि यदि जैसे आपका फ़ोन आ रहा है, मान लीजिए उसको आप यदि कान पर टच करते हैं अपने फ़ोन को, यदि उस सेटिंग को आप चालू कर लेते हैं तो कैसे आप मतलब आपका फ़ोन अपने आप उठ जाए। जैसे ही आप कान के पास ले जाएंगे तो उसमें ऐसा सेंसर होता है कि वहाँ से वो सेंस करके आपका फ़ोन क्या ऑटोमेटिक उठा देता, उसके लिए आपको उंगली का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अपन बात करते हैं, उसके लिए आपको अपनी सेटिंग पर चले जाना है। वहाँ से आप जाएंगे सीधे नीचे जाएंगे, थोड़ा सा स्मार्ट मोशन पर आप जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे स्मार्ट कॉल का ऑप्शन है, इस पर आप जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे स्मार्ट कॉल, यदि आप स्मार्ट कॉलिंग चालू कर देते हैं, अभी यदि मैं इसको बंद कर दूँगा स्मार्ट कॉल को, तो ये देखिए सिम हम सब बंद हो जाती। स्मार्ट कॉलिंग यदि अपन चालू करके रखते हैं तो अपनी जो कॉलिंग क्वालिटी जो है तो वो अच्छी आती है, जब अपन कॉलिंग पर बात करते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी आती है। और ये जो चारों फीचर्स नीचे वाले हैं ये बिल्कुल आसानी से वर्क करते हैं। तो अभी देखिए स्मार्ट आंसर जो है, यदि आप स्मार्ट आंसर और स्मार्ट कॉल चालू करके रखते हैं तभी जो है तो आपको जो कान वाला मैंने बताया फीचर्स, मतलब कान पर टच करने से आपका फ़ोन उठ जाएगा, तभी आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही अभी तो फ़ोन मेरे पास दूसरा अवेलेबल नहीं, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल किसी फ़ोन से अपने फ़ोन में लगाइए ये पूरे फीचर्स चालू करके, उसको कान में आप टच करिए, आपका फ़ोन अपने आप उठ जाएगा यदि ये फ़ीचर्स आपके फ़ोन पर अवेलेबल हैं। तो स्मार्ट स्विच जो है, तो मतलब स्मार्ट स्विच यही है, मतलब ये जो आंसर टाइप का है इन्हीं से रिलेटेड है, आप स्मार्ट स्विच का भी यूज कर सकते हैं। स्मार्ट म्यूट ये क्या है, मतलब जैसे आपको मान लीजिए कोई फ़ोन आ रहा है, आप कहीं पर मीटिंग बैठे हैं या आप चाहते हैं कि आपकी रिंगटोन डाउन हो जाए, तो आप क्या करें जैसे ही फ़ोन को आप छुएंगे, ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही आप फ़ोन को छुएंगे तो उसके बाद फ़ोन क्या है, यदि आपकी बॉडी कोई भी पार्ट फ़ोन पर टच होता है और उसके सेंसर के सामने आता है तो फ़ोन क्या है म्यूट हो जाएगा, मतलब आपकी जो रिंग टोन होगी वो ऑटोमेटिक धीमी हो जाएगी। उसके बाद वेव टू हैंड्स फ्री, मतलब यदि आप फ़ोन जैसे लिए आप उसको यदि हिला देते हैं ज़्यादा तेज़ी से तो क्या है कि वो आपका फ़ोन जो है तो उठ भी जाएगा और उसकी आवाज़ साउंड जब उठ जाएगा ऑब्वियस है तो साउंड तो डाउन हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब ये जैसे चारों पांचों फीचर्स हैं इनका आप बिल्कुल आसानी से कैसे यूज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। यदि बाकी आपको कोई दिक्कत आती है इनको यूज करने में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ से आपकी हेल्प कर लूँगा। और यदि इस तरह की वीडियो और चाहते हैं आप, मतलब स्मार्ट सेटिंग के अभी क्या है 2 पार्ट और बचे हुए हैं 9 और 10, तो आप मतलब पूरे पार्ट देख लेंगे यदि आप जितने वीवो फ़ोन पर मैंने बनाए हैं एडवांस फीचर्स, तो आपका क्या है नॉलेज जो है तो वो ज़्यादा हो जाएगा और आप बिल्कुल आसानी से क्या है अपने फ़ोन को स्मार्ट और एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें। और आप तो जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज तो होता नहीं, तो आप मेरे को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।